नमस्कार, मैं ओमकार शास्त्री। तो यहाँ पर आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक में जो तीसरा हमने अध्याय पढ़ा था कि कुर्वन्ति, उसके अंतर्गत भाषा भ्यासा को यहाँ पर हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखते हैं भाषा भ्यासा, यहाँ पर लिखा हुआ भाषा भ्यासा वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों को पूरा करो, वाक्यों को पूरा करो। तो दिया है यहाँ पर एते सिंहा गर्जन्ति, माने यहाँ पर आपको लिखना है क्रिया के माध्यम से अथवा कर्ता के माध्यम से आपको लिखना है कि किसमें एक वचन आएगा, किसमें द्विवचन आएगा और किसमें बहुवचन आएगा। तो चलिए, एते गर्जन्ति, एते सिंहाः गर्जन्ति। उसके बाद है कि काहा, कानी यानानी धावन्ति, तो कानी यानानी धावन्ति। उसके बाद महिलाः वदन्ति, जो महिला है वह बहुवचन है, महिलाः वदन्ति। उसके बाद ताः बालिकाः नृत्यन्ति, अब यहां पर जो ता है वह स्त्रीलिंग है, सा का बहुवचन है, ताः बालिकाः नृत्यन्ति। अब नदी जो है उसका बहुवचन क्या होगा, क्योंकि क्रिया वहन्ति लिखा है, तो नदी का बहुवचन क्या होगा, नदी, नद्यो, नद्याः, नद्या जो है वह बहुवचन होगा, नद्यः वहन्ति, नदी बह रही है। वैद्याः, वैद्य जो है वह एक वचन होता है, लेकिन वैद्याः बहुवचन है, तो वैद्याः क्या होगा, कौन सी क्रिया आएगी, पश्यन्ति, क्योंकि वैद्याः जब बहुवचन है तो पश्च धातु जो है वह जो दृश धातु है उसका बहुवचन आएगा, पश्यन्ति, वैद्याः पश्यन्ति, डॉक्टर या वैद्य देख रहा है। उसके बाद परिच्छेदम पूर्यत, इनको यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको पूरा करना है। उसके पहले यहाँ पर कोष्ठक के अंदर कुछ क्रियाएं, कुछ कर्ता दिया हुआ है, सर्वनाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है इन्हीं से लेकर के जो यहाँ पर पैराग्राफ है उसमें जो रिक्त स्थान है वहां पर भरना है। तो पहले देखते हैं कोष्ठक के अंदर क्या है, पिबन्ति, भवन्ति, ते, मिलन्ति, पश्यन्ति। इसके बाद पैरा जो है उसको देखते हैं, ग्रीष्मावकाशे सर्वेशस्य गृहे कोऽपि नास्ति, अतः सर्वेशः उपेन्द्रः अभिषेकः च सर्वे एकत्र मिलन्ते। उसके पूर्व रिक्त स्थान दिया हुआ है, संगणके चित्रपटम पश्यन्ति, ते संगणके चित्रपटम पश्यन्ति, किंचित समयानंतरम ते पिपासिताः, किंचित समयानंतरम ते पिपासिताः भवन्ति, कुछ समय बाद वे, उनको प्यास लगी, वे प्यासे हो गए, उनको प्यास लग रही थी, वे प्यासे हो रहे थे, अतः शीत पाटिकायाम किम अस्ति इति ते, अतः शीत पाटिकाम किम अस्ति, अतः शीत पाटिकायाम किम अस्ति इति ते पश्यन्ते, तत्र पानक निर्माणाय सर्वं साहित्यम अस्ति, अतः ते पानकं कुर्वन्ति आनंदेन च पिबन्ति।